नाम हो जाए, अखबार में तस्वीर छप जाए, तो फिर हम भी जमीन से 2-3 फीट ऊपर चलते हैं ना, फिर पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना। फिर घर में भी देखिए, मुझे कोई काम मत होता है, मैं नेशनल अवार्ड लेकर ऐसा होता है ना है? तो क्या है, ऐसा करोगे आप लोग, पैर जमीन पे रखोगे? तो उनको देख के इंस्पिरेशन बहुत मिलती है और उनकी ये बात बहुत इंस्पायर करती है कि आप कहीं भी पहुंच जाएं लेकिन अपनी रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। जो संकल्प लेके चल रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें भी हमें अपना योगदान देने का अवसर दे रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। चेस वॉज इन्वेंटेड इन आवर कंट्री, बट बाय इन्वेंटिंग 6, 12 and 60 प्लेयर चेस, आई टुक द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया फर्दर। द कंट्री keeps on motivating these kind of kids, then the obviously the country's grow further and grow in a very positive intent. koi bhi award mile hame bada nahi samajhna chahiye, hame hamesha mehnat karna chahiye aur aage badhna chahiye. ji maine ek stick ka innovation kiya tha jo ki parkinson's patients ke liye helpful hai, unhe chalne mein madad karta. he was very friendly with us aur unhone bahut acche se humse baat ki, jaise wo hum mein se hi ek hain. the main message i learned from his speech is that after winning this award or after winning any big achievement, you should cherish it, but you should stick to the ground. मैंने 12 साल की उम्र में एक सैद्धांतिक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हेन द टाइम स्टॉप्स। तो छोटी उम्र में मैंने एक सैद्धांतिक और मैंने उसमें अपने खुद के सिद्धांत लॉस थ्योरीज लिखी, इसलिए मुझे ये नेशनल चाइल्डहुड में बाल शक्ति पुरस्कार मिला। तो इज ऑल्सो टॉक्ट अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स लाइक हाउ वी हैव टू ड्रिंक वाटर एंड इज ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द इम्पैक्ट दैट द अवार्ड शुड हैव ऑन अस। उनकी जो सबसे खास बात मुझे लगी कि उन्होंने कहा था कि इस पुरस्कार को अंत नहीं अपने जीवन के एक नए पड़ाव का आरंभ को समझो। अगर कुछ किया, किसे कहीं रिकग्नाइज हुआ, तो उसी को वो अपनी प्रेरणा बना देते हैं, उसी को अपनी प्रतिज्ञा बना देते हैं, उसी में से पुरुषार्थ करने के रास्ते खोजते रहते हैं और वे नई नई चीजों को हासिल करने के लिए रुकते नहीं, थकते नहीं। मैं चाहूंगा कि आप कभी भी अपने जीवन में वो दूसरे प्रकार के आदतों को घुसने ही मत दें। अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं, ऐसा ही मान के जाए। ठीक है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, देश को बहुत कुछ देना है, खुद को हर प्रकार से तैयार करना है, ये अगर जज्बा लेकर के जाते हैं तो आप देखिए, आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनंद होगा।